गहलोत साहब, हमारे प्रभारी सचिव काजी निजामुद्दीन जी, रघु शर्मा जी, मंत्री गोविंद डोटासरा साहब, सुखराम बिश्नोई जी जो प्रभारी मंत्री हैं, ज्योति मिर्दा जी, जाकिर हुसैन साहब जिलाध्यक्ष महोदय, महेंद्र चौधरी जी, मेघवाल जी, चेतन जूडी जी, मुकेश भाकर साहब, राम निवास करौड़िया जी, विजयपाल मिर्दा जी, बीबर रहमान साहब, महेंद्र मिर्दा जी, सराय सिंह जी, सोनू जी, कृष्णपाल मिर्दा साहब, हमारी जिला प्रमुख सुनीता चौधरी जी, बिंदु चौधरी साहिबा, मंचा सिंह, सभी नेतागण, नौजवान दोस्तों, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं और बहनों, आज मकराना में ये सभा रखी है। लोकसभा के चुनावों को सामने देखकर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिला कांग्रेस कमेटी को और जाकिर साहब को, आपके तमाम साथियों को। आज बहुत कम समय में, कल ही हमने सूचित किया जाकिर जी को और आज 24 घंटे के अंदर अंदर आप सबको यहाँ पर उन्होंने आमंत्रित किया। इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जाकिर जी का विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जाकिर जी, आप ये चुनाव हार गए होंगे लेकिन आप माननीय विधायक हो जिला, बस आपसे इतना निवेदन है कि जो कमी रह गई विधानसभा चुनाव में उसको सूद समेत पूरा करना है लोकसभा चुनाव में। ये काम आप लोगों को करना है। अभी 2-2.5 महीने हुए सरकार को बने, लेकिन बदलाव हमें दिख रहा है। जो वादे हम लोगों ने किए उसको लगातार पूरा कर रहे हैं। और मुझे फक्र कहते हुए कि वसुंधरा जी ने जहां 4 साल 11 महीने 25 दिन तक कुछ नहीं किया और जाते जाते दबाव में घोषणा कर गई बिजली की, ऋण माफी की, और पूरा नहीं करना था, हमारी सरकार बनने के तुरंत बाद जो राहुल गांधी जी ने वादा किया ठीक उसी लाइन पर आकर हमने तमाम वादे पूरा करना शुरू कर दिए। चाहे ऋण माफी की बात हो, चाहे बेरोजगारी भत्ते की बात हो, चाहे पेंशन की बात हो, चाहे फसल खरीद की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, सरकार ने पिछले 2-2.5 महीने में कोई कमी नहीं छोड़ी हर वो कदम उठाने में जहां जनता का लाभ हम लोगों को दिखता है। आज का चुनाव देश का चुनाव है। ये चुनाव राजस्थान का नहीं है, नागौर का नहीं है, इस मुल्क में कैसे प्रेम, प्यार, भाईचारा, मोहब्बत बरकरार रहे उस बात का चुनाव है। विकास की जगह भाषण देखने को मिले 5 साल तक, धरातल पर काम नहीं हुए लेकिन लंबे लंबे भाषण हुए, विज्ञापन हुए, प्रचार प्रसार हुआ। आज मोदी साहब प्रधानमंत्री हैं 5 साल से, क्या हाल फसलों का है, खेत का है, किसान का है। पिछले 45 साल में इतनी बेरोजगारी देश में कभी नहीं हुई जितनी आज है। और सारे आंकड़े छुपाने का काम करते हैं, संस्थाओं को नष्ट करने का काम करते हैं, भाई को भाई से लड़ाने का काम करते हैं। और जब भी कभी देश में ऐसी घटना होती है जहां हिंसा हो, सांप्रदायिकता फैलती है, तो प्रधानमंत्री जी कम से कम 3 या 4 दिन का समय लेते हैं, फिर 5वें दिन आके बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये देश अमन चैन वाला देश है। 4-5 दिन तक इंतजार करते हैं, खूब घटनाएं घट जाए, नफरत फैल जाए, भाई भाई दुश्मन बन जाए, उसके बाद जाके चाहते 5वें दिन उनका स्टेटमेंट आता है। नागौर को क्या दिया नहीं दिया आप जानते हो। और ये नागौर वो ऐतिहासिक जिला है जहां पर कांग्रेस की सरकार ने पंचायती राज की शुरुआत करी थी। ये वो जिला है जहां उसी 2 अक्टूबर को सोनिया गांधी जी आई थी, हजारों करोड़ रुपए की पानी की योजना यहां पर सरकार ने हमारी दी थी। ये वो जिला है जिसने आज पूरे ताकत के साथ कांग्रेस का समर्थन किया है, इसलिए आप लोगों से बहुत उम्मीद है। कांग्रेस पार्टी जिस व्यक्ति को भी अपना उम्मीदवार बनाकर यहां से भेजे, मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है साथियों, माताओं, बहनों, कि हाथ का निशान कांग्रेस की पहचान है। सारी बात भूलकर सबसे स्ट्रॉन्ग के लोग, चारों मजहब के लोग कांग्रेस के हाथ के निशान पर बटन दबाकर हमको जिताकर भेजे। आज राहुल गांधी जी संघर्ष कर रहे हैं और जवाब मांगते हैं, कांग्रेस की नेता जवाब मांगते हैं, तो हमें देशद्रोही कहा जाता है। भाजपा विरोधी होना मतलब देश विरोध, राष्ट्र विरोधी होना, ये अजीब तरह की परिभाषा बन गई। इस देश में जो हालात पैदा हुए हैं आज से पहले नहीं थे, कभी हमने सुना नहीं था कि मॉब लिंचिंग क्या होती है। बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग, संविधान की शपथ लिए हुए लोग आज ऐसी छोटी बातें करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रदेश के नौजवान, हमारी महिलाएं, माताएं सब मिलकर एक नई सरकार का निर्माण करेंगे। 23 मई को जब मतगणना होगी तो देश में नई सरकार बनेगी, एक नया प्रधानमंत्री वहां पर होगा और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी।
के साथ साथ ये प्रार्थना लेकर हाजिर हुए। ये चुनाव मुद्दों का चुनाव है। 125 करोड़ लोगों के इस मुल्क में रोजी रोटी के लिए लोग मोहताज हैं, उनके मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। जो किसान आत्महत्या कर चुके हैं और जो करने की कगार पे हैं, उनके मुद्दों को लेकर हम चुनावी मैदान में हैं। चुनाव होगा महंगाई पर, भ्रष्टाचार पर, बेरोजगारी पर। जज्बात और भावनाओं को बढ़ाकर अपनी नाकामियों को छुपाने का काम जो भाजपा के साथी कर रहे हैं, वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। हमारे जिले में जो ताकत है, अभी हम गाड़ी में बात कर रहे थे तो मैंने कहा ये नागौर है। नागौर की जनता जिस करवट बैठ जाती है, सत्ता उसी की तरफ आ जाती है। और कांग्रेस पार्टी में आकर पूरी आस्था है, पूरा भरोसा है, मैं जानता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों से कि ना सिर्फ मकराने में, पूरे नागौर लोकसभा क्षेत्र के अंदर आप सब लोग पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी के प्रचार प्रसार में लग जाएं। ज्यादा समय नहीं है, मुकाबला हमको करना है ऐसी ताकतों से जो नफरत और जहर फैलाकर राजनीति करना चाहते हैं। वो तमाम लोग जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते, जो ताकत और बल के दम पर राजनीति करना चाहते हैं, उन लोगों का समय पूरा हो गया। 5 साल तक सरकार को झेला है। जैसे ही आपने राजस्थान में भाजपा की सरकार का बोरिया बिस्तरा बांधकर बहा दिया था, ऐसे समय आ गया है कि 25 की 25 सीट जीते और राजस्थान के साथ पूरे देश में कांग्रेस पार्टी पराक्रम होकर जीतेगी। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। आप सबके बीच में मैं आपको वादा करता हूं कि हमारी सरकार जब से बनी है और आने वाले 5 साल तक सत्ता और संगठन पर गरीब और नौजवान और बुजुर्ग और महिला, आपके सभी अरमानों को पूरा करने के लिए, आपके सभी सपनों को साकार करने के लिए कांग्रेस पार्टी को कसर छोड़ने वाली नहीं है। हमारी सरकार आपकी सरकार है, ये घमंड और गुरूर की सरकार नहीं है। आप जैसा काम चाहोगे वैसा काम हमारी सरकार करेगी, इस बात का मैं आपको आश्वासन देता हूं। आने के साथ साथ ये प्रार्थना लेकर हाजिर हुए। ये चुनाव मुद्दों का चुनाव है। 125 करोड़ लोगों के इस मुल्क में रोजी रोटी के लिए लोग मोहताज हैं, उनके मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। जो किसान आत्महत्या कर चुके हैं और जो करने की कगार पे हैं, उनके मुद्दों को लेकर हम चुनावी मैदान में हैं। चुनाव होगा महंगाई पर, भ्रष्टाचार पर, बेरोजगारी पर। जज्बात और भावनाओं को बढ़ाकर अपनी नाकामियों को छुपाने का काम जो भाजपा के साथी कर रहे हैं, वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। हमारे जिले में जो ताकत है, अभी हम गाड़ी में बात कर रहे थे तो मैंने कहा ये नागौर है। नागौर की जनता जिस करवट बैठ जाती है, सत्ता उसी की तरफ आ जाती है। और कांग्रेस पार्टी में आकर पूरी आस्था है, पूरा भरोसा है, मैं जानता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों से कि ना सिर्फ मकराने में, पूरे नागौर लोकसभा क्षेत्र के अंदर आप सब लोग पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी के प्रचार प्रसार में लग जाएं। ज्यादा समय नहीं है, मुकाबला हमको करना है ऐसी ताकतों से जो नफरत और जहर फैलाकर राजनीति करना चाहते हैं। वो तमाम लोग जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते, जो ताकत और बल के दम पर राजनीति करना चाहते हैं, उन लोगों का समय पूरा हो गया। 5 साल तक सरकार को झेला है। जैसे ही आपने राजस्थान में भाजपा की सरकार का बोरिया बिस्तरा बांधकर बहा दिया था, ऐसे समय आ गया है कि 25 की 25 सीट जीते और राजस्थान के साथ पूरे देश में कांग्रेस पार्टी पराक्रम होकर जीतेगी। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। आप सबके बीच में मैं आपको वादा करता हूं कि हमारी सरकार जब से बनी है और आने वाले 5 साल तक सत्ता और संगठन पर गरीब और नौजवान और बुजुर्ग और महिला, आपके सभी अरमानों को पूरा करने के लिए, आपके सभी सपनों को साकार करने के लिए कांग्रेस पार्टी को कसर छोड़ने वाली नहीं है। हमारी सरकार आपकी सरकार है, ये घमंड और गुरूर की सरकार नहीं है। आप जैसा काम चाहोगे वैसा काम हमारी सरकार करेगी, इस बात का मैं आपको आश्वासन देता हूं। आने के साथ साथ ये प्रार्थना लेकर हाजिर हुए। ये चुनाव मुद्दों का चुनाव है। 125 करोड़ लोगों के इस मुल्क में रोजी रोटी के लिए लोग मोहताज हैं, उनके मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। जो किसान आत्महत्या कर चुके हैं और जो करने की कगार पे हैं, उनके मुद्दों को लेकर हम चुनावी मैदान में हैं। चुनाव होगा महंगाई पर, भ्रष्टाचार पर, बेरोजगारी पर।
जज्बात और भावना को बढ़ाकर अपनी नाकामियों को छुपाने का काम जो भाजपा के साथी कर रहे हैं वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। हमारे जिले में जो ताकत है, अभी हम गाड़ी में बात कर रहे थे तो मैंने कहा ये नागौर है, नागौर की जनता जिस करवट बैठ जाती है सत्ता उसी की तरफ आ जाती है। और कांग्रेस पार्टी में आपका पूरी आस्था है, पूरा भरोसा है, मैं जानता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों से कि ना सिर्फ मकराने में लेकिन पूरे नागौर लोकसभा क्षेत्र के अंदर आप सब लोग पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी के प्रचार प्रसार में लग जाएं। ज्यादा समय नहीं है, मुकाबला हमको करना है ऐसी ताकतों से जो नफरत और जहर फैलाकर राजनीति करना चाहते हैं। वो तमाम लोग जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते, जो ताकत और बल के दम पर राजनीति करना चाहते हैं, उन लोगों का समय पूरा हो गया। 5 साल तक सरकार को झेला है, जैसे ही आपने राजस्थान में भाजपा की सरकार का बोरिया बिस्तरा बांधकर बहा दिया था, ऐसे समय आ गया है कि 25 की 25 सीट जीते और राजस्थान के साथ पूरे देश में कांग्रेस पार्टी पराक्रम होकर जीतेगी। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। आप सबके बीच में मैं आपको वादा करता हूं कि हमारी सरकार जब से बनी है और आने वाले 5 साल तक सत्ता और संगठन पर गरीब और नौजवान और बुजुर्ग और महिला आपके सभी अरमानों को पूरा करने के लिए, आपके सभी सपनों को साकार करने के लिए कांग्रेस पार्टी को कसर छोड़ने वाली नहीं है। हमारी सरकार आपकी सरकार है, ये घमंड और गुरूर की सरकार नहीं है। आप जैसा काम चाहोगे वैसा काम हमारी सरकार करेगी, इस बात का मैं आपको आश्वासन देता हूं। शिक्षा मंत्री नवीन प्रताप जी, प्रभारी मंत्री सुखराम विश्वे जी, गोपुर के संयोजक महेंद्र चौधरी जी, मेहता जी, जिला अध्यक्ष विधायक हमारे वरिष्ठ नेता मिर्जा जी, कैदी मिर्जा जी, मुकेश बागड़ जी, रामनिवास जी गवरिया जी, विजय मिर्जा जी, देवेंद्रमान साहब, सवाई सिंह जी, सुनू चितारा जी, तरुण साई का बहन श्रीमती सुनीता चौधरी जी, उजिला प्रमुख बहन श्रीमती बिंदु चौधरी, अब्दुल अजीज साहब, रामचंद्र झाड़ा जी, हमें बहुत खुशी है कि कल ही इतला किए जाकिर हुसैन साहब को इस मीटिंग के बारे में। एक दिन के नोटिस के अंदर भी इतनी बड़ी मीटिंग करना, आप सबका यहाँ आना इस बात का प्रतीक है कि आप सबका प्यार, आपकी मोहब्बत, आपका विश्वास, आपकी दुआएं, आपका आशीर्वाद हम सब साथ हैं। उसके लिए मैं अपने और से अपने साथियों के और से आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। ये चुनाव आने वाले हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। नागौर ये ज्यादा कौन समझ सकता है, पूरे देश की तकदीर का फैसला करेंगे। और जिस प्रकार की फांसी से ताकते हैं आज शासन कर रही है, उनके जुमलों को हमने देखा, झूठ को देखा, झूठे वाले को देखा। पिछले चुनाव में जिस प्रकार से माहौल बनाया गया नरेंद्र मोदी जी के नाम का, काला धन लेके आएंगे 80 लाख करोड़ का, 15 लाख रुपए डाल देंगे खातों में सबके, 2 करोड़ नौजवान को रोजगार मिलेगा प्रतिवर्ष, महंगाई कम कर देंगे, बड़े बड़े वादे किए गए। अगर आप उस चुनाव के भाषण आपने देखे होंगे कि नौजवानों ने सोशल मीडिया पे मोदी जी के, कश्मीर को लेकर भी है, आतंकवाद को लेकर भी है, अगर वो भी भाषण जो उनके थे उस सब के जुड़े वादों के, वही जनता वापस देख ले
तो कांग्रेस को कैंपेन करने की जरूरत नहीं पड़ी। इस प्रकार से जुड़े वाले हल होती है। प्रधानमंत्री असत्य बोले, ये प्रधानमंत्री पद की गरिमा के खिलाफ मानता हूं। प्रधानमंत्री कई बने हैं आजादी के बाद में, पंडित नेहरू बने, इंदिरा गांधी बनी, लाल बहादुर शास्त्री बने, राजीव गांधी बने, मुरारी भाई देसाई बने, बीपी सिंह जी बन गए, देवगौड़ा जी बन गए, इंद्र कुमार गुजरात जी बन गए, अटल बिहारी वाजपेयी जी बन गए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तो सबके सामने है कि किस प्रकार से उन्होंने शानदार शासन किया। जनता को अधिकार देने का, नरेगा हो, रोजगार का, शिक्षा का अधिकार हो, खाद्य सामग्री का अधिकार हो, सूचना का अधिकार हो, कानून बना के इस देश की जनता को अधिकार देने के युग की शुरुआत की तो सोनिया गांधी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कही। हर प्रधानमंत्री का एक अलग नजरिया होता है बात करने का, निराला ढंग है उनके हाव भाव, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके लटके झटके अलग तरीके से आप देखते टीवी के अंदर। और व्यक्तिगत आक्षेप कभी प्रधानमंत्री ने आज तक कभी किया नहीं, किसी प्रधानमंत्री में किसी पे व्यक्तिगत आक्षेप नहीं किया। मोदी जी वो शख्स है जो राहुल गांधी जी के बारे में क्या क्या नहीं बोलते, आप देखते उनके परिवार के बारे में, ये कभी नहीं हुआ। विदेश में जाएंगे, हिंदुस्तान में सिद्धाम में कुछ नहीं हुआ था, हमारी शुरुआत करेंगे, ये अच्छी परंपरा नहीं है जो उन्होंने इस बार स्थापित करी है। आज तक कोई प्रधानमंत्री दुनिया किसी मुल्क में गया तो हिंदुस्तान में किसी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, मैं सब कुछ करूंगा, ये किसी प्रधानमंत्री ने आज तक नहीं कहा होगा जो मोदी जी ने कहा। दुनिया वो समझते हैं भ्रम में है, बहुत इम्पैक्ट पड़ता होगा, प्रवासी भारतीयों में इम्पैक्ट पड़ता होगा, हो सकता है अस्थायी पड़ता भी हो, ये बोलते हैं लोग, समझते हैं कि अच्छी बात है कि आप अपने मुल्क की बुराई बाहर के मुल्कों में आगे करें, ये मुद्दे निकले तो आम 130 करोड़ से अधिक आबादी देश में है, आम जनता के दिलों को छूने वाली बात होनी चाहिए प्रधानमंत्री, ये होना चाहिए। क्या वो है? हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म के लोग आज भरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उद्योगपति हो, व्यापारी हो, इंटेलेक्चुअल हो, साहित्यकार हो, लेखक हो, और ये मीडिया वाले हो जो हम लोगों को दिखाते हैं, ये सब डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, इनके मालिक लोग वो डरे हुए हैं, तब इनकम टैक्स ईडी सीबीआई आएगा। डर के मारे हिंदुस्तान का मीडिया एक तरफ मोदी 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 देखा, एक तरफ वो राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, राष्ट्रभक्ति की बात वो मुद्दा बना के चुनाव जाएंगे तो पूरे मीडिया में शाम को उसी पर बहस चल जाती है। तो ये सर्टिफिकेट कौन देगा? क्या हम लोग बैठे यहाँ पर राष्ट्रभक्त नहीं है? हम लोग हिंदू नहीं है? हिंदू बनने के लिए बीजेपी का फॉर्म भरना जरूरी है? लिखा लिखा हुआ है पर ये लोग करते हैं, ऐसा माहौल बना दिया, उस माहौल में देश चल रहा है, इस माहौल में देश चल रहा है। आज लोकतंत्र को खतरा है, हर नागरिक को ये समझने की आवश्यकता है, संविधान को खतरा है, देश को खतरा है। अगर मोदी जी आने से के लोग वापस आ गए, वापस सत्ता में आगे चुनाव भी होंगे कि नहीं होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस खतरनाक मोड़ पे देश खड़ा है, ये बातें मैं बात जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, सोच समझ के बोल रहा हूँ। अगर नहीं समझेंगे तो इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा,
आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी। इस खतरनाक मोड़ पे ये देश खड़ा है, लीकिंग हो रही है, कोई सुरक्षित महसूस नहीं करता अपने आप को। अच्छी बात तो मोदी जी के मुंह से निकलते हुए देखा ही नहीं, क्या 70 साल में कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ तो मैं आपको कहना चाहूंगा, सबको कहो हमें वोट देने की आवश्यकता नहीं आपको, और सब कुछ हुआ है तो बीजेपी को सबक सिखाने का वक्त आ रहा है। पार्लियामेंट चुनाव में आपके साथ क्या लफाजी हो रही है देश के अंदर? अमित शाह क्या बोल रहे हैं, मोदी जी क्या बोल रहे हैं? पंडित नेहरू आजादी के बाद में जो 10-12 साल जेल में बंद रहे थे उनके बारे में किस प्रकार से सोशल मीडिया में उनके खानदान के बारे में बताया जा रहा है? अरे 12 साल जेल में रहने का इतिहास किसने बनाया? आपकी पार्टी का तो एक व्यक्ति ने अपनी उंगली तक नहीं कटाई है, एक दिन जेल में गया है। आजादी जेल में स्त्री में झंडा लेकर के कितने लोग शहीद हुए, फांसी के फंदे पर चढ़े और लाठियां खाई, गोलियां खाई, तब जाके मुल्क आजाद हुआ गांधी जी के जन्मदिन में। लोकतंत्र काम किया तो कांग्रेस ने किया, गांधी जी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना मुकर्रम आजाद, डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाया, कितने साल में संविधान की रक्षा करी है कांग्रेस ने करी। आज आपको ढांचा खड़ा किया पंडित नेहरू ने, क्या देश का उसमें खड़ा है पूरा मुल्क, जो मुझे विकास इतने संभव हुआ, सिंचाई इतने संभव हुई, बड़े बड़े बांध बने, बड़े बड़े स्टील के कारखाने लगे, विज्ञान में तकनीकी के अंदर पानी बिजली सिंचाई सड़कें तो जान बिछाना बिजली पैदा करना कैसे संभव हुआ? पंडित नेहरू का योगदान भी था। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश का उदय कर दिया, 90,000 कर्नल जनरल मेजर सैनिकों को हथियार डलवा दिए, सरेंडर करवा दिया, दुनिया में कहीं होगा ऐसा कभी? आप सर्जिकल स्ट्राइक किए और घमंड कर रहे हो, घमंड में बात कर रहे हो, चुनाव जीतने की बात कर रहे हो, सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर चुनाव जीतने की बात करते हो। इंदिरा गांधी का नाम एक बार नहीं लिया, इंदिरा गांधी वो नेता थी जिन्हें वाजपेयी ने कहा था पार्लियामेंट में कि इंदिरा गांधी नहीं दुर्गा का रूप है जिसके लिए कहा था, नहीं लिया। खालिस्तान ने बने दिया पंजाब को, अलग होने के देश से जान चली गई खुद की खालिस्तान को लेकर के, आतंकवाद को खत्म कर दिया वहां पर इंदिरा गांधी ने, सरदार बहन सिंह जी ने। आप बताइए कभी मोदी जी ने कहा इतना खतरनाक आतंकवाद पैदा हो गया था, हमारी हवेजा में उड़ा दिया आतंकवादियों ने, मैं उसको सिविल एविएशन मिनिस्टर पूछता, 400 लोग मारे गए थे वहां आयरलैंड के अंदर, 400 लोग मारे गए थे, कनिष्ठ विमान था। क्या मोदी जी को याद नहीं है कनिष्ठ विमान कितने लोग मारे गए थे आतंकवाद का मुकाबला करते करते? इंदिरा गांधी ध्यान दे दी कभी, जिक्र किया उन्होंने? राजीव गांधी कहते थे 21st सेंचुरी में जाएंगे हम लोग, आज मोबाइल हाथ में सबके हैं, कंप्यूटर आ गए हैं, इंटरनेट की सेवाएं हैं, किसका सपना था? राजीव गांधी का था। कभी कहा मोदी जी के नाम अंजलि में निकला? कभी नहीं निकला। कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, अरे कांग्रेस चौके तो 57 महीने के बावजूद गांव गांव में 6.5 लाख गांव है देश के अंदर, और कांग्रेस मुक्त भारत बनाने वाले खुद मुक्त हो जाएंगे देश से। जब वाजपेयी गवर्नमेंट थी वो विज्ञापन दिए इंडिया साइनिंग फील गुड, जनता उसमें भी समझ गई थी कि जब समझदार जनता है कि वाजपेयी जैसे व्यक्ति को करा सकती है, मोदी जी आपका तो जो घमंड और गरूर है जनता इंतजार कर रही है, वो समझती है कि आप आतंकवाद के नाम पे क्या करना चाहते हो, वो समझती है कि आपने आतंकवाद खत्म करने की बात करी थी, कांग्रेस के शासन में तो
4,500 आतंकवादी मारे गए थे, आपके हाल में 400 मुस्लिम मारे गए हैं। किसी बात करते आप, जिस प्रकार से माहौल बनाया गया उसको आपको समझ नहीं कर सकता है। मैं तो कहना चाहूंगा कि सरकार आपने बनाई है, ये सीट हम नहीं जीत पाए। जाकिर हुसैन साहब आपके अपने थे, जिस प्रकार से आप फर्जी पोलिंग और फर्जी वाला हुआ वो भी अपने आप में हार का कारण था। इसमें कोई गुराई नहीं हो सकती, प्रभाव कारण वही था। इतने कम वोट से हार क्यों हुई? क्योंकि जिस प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से फर्जी वोट डराए गए वो सब आपके जैन मूल्य के नहीं सकता नहीं। सरकार फिर भी बन गई राजस्थान के अंदर, उसके लिए सबको पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ये मौका दिया उन्हें, पूरे तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया, उसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कि जैसे राहुल गांधी ने कहा था, हम कहते हैं करते हैं, इधर कर्जा माफ करेंगे सरकार, आते ही हमने कर्जे माफ कर दिए। कॉपरेटिव बैंक कर दिए हैं, भूमि विकास बैंक कर दिए हैं, कॉमर्शियल बैंक के कर्जों की बातचीत चल रही बैंकों से, आने वाले वक्त में वो भी माफ करेंगे। हमारी स्पष्ट दृष्टिकोण है, हमने कहा 5 साल तक किसानों की दर नहीं बढ़ेगी बिजली की। पहले भी मैंने कहा तो नहीं बढ़ी थी उस वक्त, 1 लाख किसानों कनेक्शन देंगे बिजली के, ये हमने कहा था, वो आपके सामने है। पेंशन हमने बढ़ाई 5 रुपए 750 कर दी, 2 रुपए किलो बजाए, गरीब को 1 रुपए किलो गेहूं देना शुरू कर दिया, बीपीएल परिवारों को, जनरल कैटेगरी के लोगों को 10% आरक्षण की बात करी थी, वो भी हमें लागू करने रास्ता के अंदर, लड़कियों की शिक्षा 12वीं तक पहले फ्री थी, कॉलेज की फ्री कर दी इस बार उन लोगों ने, और तो पानी का बिल पहली बार आपके बिल नहीं आएगा गांव के अंदर, जो ज्यादा खर्च करो बात छोड़ो, बाकी के बिल भी नहीं आएगा, पानी फ्री कर दिया है शहरों में भी गाँव में भी, पहली बार हुआ है। कोई ज्यादा ही पानी खर्च करेगा उसका मैं नहीं कह सकता, आज खर्च कर रहे हैं उन सबके माफ होंगे। छोटे उद्योग लगाने वालों के लिए पूरे देश में पहली सरकार राजस्थान की है जिसने किया है, छोटे उद्योग लगाने वालों को अब सरकार के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 साल में लगातार बिना सरकार को पूछे हुए अपना उद्योग धंधा शुरू कर पाएंगे, 3 साल सरकार को कुछ नहीं पूछेगी, ये फैसला हिंदुस्तान ने पहली बार हमने किया। 15 दिन पहले बेरोजगारी भत्ता हमने देना शुरू किया, 3,000 साढ़े 3,000 रुपए 40,000 नौजवानों को जिसको भत्ता मिलता है उनमें सेलेक्ट करेंगे हम, एक गाँव में एक जो सरकार का नुमाइंदा होगा और जनता के छूट रूप में काम आएगा, सरकार और जनता के बीच में कड़ी का काम करेगा। इस प्रकार की योजना मैंने घोषित करी है, चुनाव खत्म होते इसको लागू कर देंगे हम लोग। पहले भी हम लोग कमी नहीं रखी, पिछली बार सरकार हमारी थी क्या दवाएं फ्री थी, टेस्ट फ्री कर दिए, हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं हुआ था। एक नया इतिहास बनाया था, लैपटॉप दिए बच्चों को, पेंशन की सब शर्तें लगा दी उस वक्त में हम लोगों ने, इंदिरा गांधी कहना के पानी की सेकंड फेज सोनिया गांधी ने खुद आई थी, हमने उसकी शुरुआत करी। दुर्भाग्य से वसुंधरा जी आई तो वहां पर नाटक किया गया शुरू करने का, पानी मकान तक पहुंच गया, गांव में पहुंचेगा, सरकार बदल गई तो काम सब ठप हो गए, पहुंच नहीं पाया। अब हम लोग चाहेंगे कि पानी हो चाहे सीवरेज सिस्टम की जो योजना पहले बनाई थी हम लोगों ने 200 करोड़ की, वो योजना हो तो कमी आने नहीं देंगे, ये मैं आगे वादा करना चाहता हूँ। लावा के अंदर बिशनपुर का पानी आ गया था, मकाना प्रदर्शन की जो रेल लाइन का मामला था उसमें हमने भारतीय नारायण की जनता पर मेरे वक्त 8 करोड़ रुपए हमने दिए रेलवे को और यहाँ पर वो रेल लाइन बनी गई। आपके मार्बल पे बैठ काम कर दिया उस वक्त में, 12 से 5 पे ले आए हुए उस वक्त में, रॉयल्टी कम कर दी, यहाँ पर मकानों में नगर परिषद बना दी नगर पालिका की,
कहने का मतलब ये है, उस वक्त मुझे याद है सरकार तो चली गई हमारी, मैंने कहा तो सरकार हमारी बनेगी, निश्चित रहो इतने हमने अच्छे काम किए, और नहीं बनेगी तो फिर आगे वाले आने वाले सरकार काम भी नहीं करेगी। तो वही हुआ, वसुंधरा जी ने मेरी बात सुन ली होगी, उसे काम नहीं किया। उन्होंने कहा अपने एमएलए को, जब एमएलए काम मांगने गए उनके साथ काम नहीं हो रहा है, किस मुंह से लेके जाए गाँव में, पता है आपको उन्होंने क्या कहा? सिविल लाइन पे जो मकान है मेरा उनका आमने सामने मकान है सिविल लाइन का, आपको मालूम है। उन्होंने कहा एमएलए को अब पता मेरे सामने कौन रहता है, कहते वो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहते हैं, जाओ उसको पूछ लो, खूब काम कर देख लिए वो वहां बैठा हुआ, मैं यहाँ बैठी हुई हूँ मुख्यमंत्री, आप पूछ सकते हो। शुरुआत ही उन्होंने ऐसे ही करी सरकार की चलाने की, वो क्या काम करते थे, हमारी स्थिति ये थी हम फिलहाल एमएलए को खड़ा करते, पूछते हुए काम बाकी रह गया, एमएलए काम मांगता मांगता थक गया, मैंने स्वीकृति देते दे नहीं थका, लास्ट तक मैं लाल के साथ कह सकता हूँ, इस रूप में हम लोगों ने काम किया था उस जमाने का। इसलिए आप निश्चिंत रहो, सरकार अभी बने बने 80 दिन हो गए हैं, 21 फैसले ने बहुत शानदार किए हैं, चुनाव के बाद में चौमुखी विकास की योजना बनेगी, राजपाल समस्याओं के समाधान होंगे, गुड गवर्नेंस दी जाएगी जनता को, कानून व्यवस्था की स्थिति को और मजबूत किया जाएगा। तो आपको मैं अपील करना चाहूंगा, अगर हम लोग सीटें नहीं जीते तो जो आपने हमें जिताया है पक्की मोड़ पे नहीं लगेगी, पक्की मोड़ लगानी है तो मोदी जी को सबक सिखाना जरूरी है, दिल्ली में हमारी सरकार बने, राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बने, फिर आप देखेंगे जो व्यक्ति कहता है वो करके दिखाएगा आपको। और अफवाह में ध्यान मत दो, मैंने कहा मीडिया दबाव में है, इसलिए एनडीटीवी जो देखता है उसको मालूम है, एनडीटीवी निष्पक्ष है, बताता खबरें, और रवीश कुमार जो उसका एंकर है वो कहता है कि जो हमारे एंकर और मीडिया वाले जिस रूप में एक तरफा दिखा रहे दबाव के अंदर सरकार के, लोकतंत्र को इसे खतरा पैदा हो गया है, और जनता को चाहिए 2 महीने अपने टीवी देखना बंद कर दे, वरना पता नहीं जनता का भाग बदल देंगे टीवी वाले तो देश को नुकसान हो जाएगा। ये अगर टीवी वाले दिल की सोच हो आप समझ सकते हो देश की दिशा में जा रहा है। कृपा करके एक एक सीट जरूरी है, नागौर की सीटों में जितनी भी है और नागौर की जनता समझती है, जब चितरतर में कांग्रेस हार गई थी, इंदिरा जी भी हार गई थी चुनाव, जिसकी महान नेता थी, बाद में गांधी चली उन्हें प्रधानमंत्री बनी हो, तो एक बार चुनाव हार गई थी उस पर भी नागौर ने नरेंद्र मिर्जा जी को यहां से कामयाब किया था। वो इतिहास आपका है, जिस क्षेत्र के इतिहास वो सीट अगर हम नहीं जीते हैं तो आप सुनो क्या मैसेज जाएगा देश के अंदर प्रदेश के अंदर। कृपा करके सारे मतभेद भूलो, हाईकमान फैसला करेगा टिकटों का उसका इंतजार करो, और ये आप मन में संकल्प कर लो टिकटों तक की लड़ाई अलग है, टिकट 2 होते तो मैं 2 टिकट देता, 3 होते तो पांडे साहब बैठे हुए हैं, हम लोग मिलकर बात करें 3 टिकट बांट दो, अभिराजी को कहते हैं टिकट तो एक ही होता है। कृपा करके जो लड़ाई चल रही है ना वो आपको भी मालूम है, हम सबको मालूम है, हम सबको मालूम है कौन कौन उम्मीदवार है, उम्मीदवार तो हर जिले के अंदर है, होने भी चाहिए, पर लड़ाई होनी चाहिए टिकटों तक होनी चाहिए, टिकट मिलने के बाद में अगर मन में संकल्प होगा हम सच्चे कांग्रेसी हैं, देश के हालात को समझते हैं, चुनौती लोकतंत्र खतरे की है, संविधान को बचाने की है, देश को बचाने की है, जिसके दिल में दर्द होगा मैं उम्मीद करता हूं वो अपनी बात शालीनता से कहेगा हाईकमान के सामने, और टिकट मिलने के बाद में फिर ना किंतु है ना परंतु है, सबको मिलकर हमें उसको कामयाब करना है। तो नागौर की सीट में जो माहौल है जनता में वो माहौल एक तरफा है, कांग्रेस शानदार माहौल जीतना चाहती है जीतेगी, ये आप खुद जानते हैं, जनता चाहती है, और फिर भी हम कामयाब नहीं हो तो जनता के दिल में क्या गुजरती है
उस बात का इशारा आप सबको होना चाहिए। एक बात कहता हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद पांडे साहब का, उप मुख्यमंत्री जी का, हमारे जिला अध्यक्ष जी, हमारे जिला प्रमुख जी, महेंद्र जी, ज्योति मिर्धा जी, चेतन डूडी जी, मंजू जी मेघवाल जी, मुकेश भाकर जी, रामनिवास गावड़िया जी, विजयपाल मिर्धा जी, सोनू चितारा जी, सुहाई पांडे जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का, सभी मिलकर के 51 किलो की माला से हम सबकी ओर से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं।